कभी कभी जब ऐसा होता है लंबा कोई बैच होता है ना, तो मैं बहुत सारी कहानियां करता हूँ। तो एक दिन मैं अपने घर से पूरा सूटकेस में 15 किताबें लग के लेकर आया, यहाँ पे ना रैक लगा हुआ था। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 15 किताबें थी। मैंने कहा अगर आप लोगों ने पिछले एक साल में ये 15 किताबें ये वाली या इस जैसी ही कोई और किताबें पढ़ी हैं, तो आपको इंग्लिश का कोर्स लेने की शायद ज़रूरत नहीं थी, ये थोड़ी ज़रूरत थी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हमारे साथ एक आलिम थे, आलिम दरस निज़ामी करके जो आलिम बनते हैं, मुफ्ती साहब, वो IB की तैयारी के लिए आए हमारे पास। तो मैंने कहा यार ये तो इंग्लिश में, इनकी तो इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। कह लेंगे सर इंग्लिश का मुझे मसला नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी इंग्लिश समझ रहे हैं। कह लेंगे अस पर भाई इंग्लिश का समझे मेरा मसला ही नहीं है। कह लें मैंने क्यों, क्या हो गया, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, वाकई ऐसे ही ना। तो कह लेंगे मैं मीज़ान बैंक में जो है ना असिस्टेंट शरिया एडवाइज़र हूँ, और मैं दिन के रोज़ाना 200-300 पेजेस पढ़ता हूँ लीगल एग्रीमेंट्स। और इंग्लिश के लीगल एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। देखा आपने रेंटल एग्रीमेंट वगैरह देखा होगा शायद, और आप लीगल एग्रीमेंट्स देखें, इतनी मुश्किल लैंग्वेज होती है उसकी। और कह रहे हैं मैं बहुत क्रिटिकली पढ़ता हूँ, क्योंकि एक एक वर्ड से जो है ना वो मसला चेंज हो जाता है। तो लैंग्वेज मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वाकई में उनका होगी IB में, IBS MBA भी किया उन्होंने, MBA भी नहीं किया। तो रीडिंग नहीं करते, IB में रीडिंग की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। IB में आप जाएंगे, लम्स में आप जाएंगे, तो आपसे वो कहेंगे जी नेक्स्ट ये चैप्टर पूरा आप पढ़ कर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब याद है मेहनाज फातिमा हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट, डॉन में भी लिखती थी, तो उन्होंने हमें कहा कि नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टाइम आप ये पूरा जो है ना वो एक चैप्टर है सप्लाई एंड डिमांड का पढ़ कर आप आएंगे। हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के साइंस के इंटर के स्टूडेंट्स ज़िंदगी में कभी बुक खोल के नहीं पढ़ी, हमने नोट्स ही पढ़े हमेशा प्रोफेसरों के, वही इंपॉर्टेंट पढ़े थे। अब हमारे लिए पढ़ना ही मुश्किल हो गया, तो अब आपको पढ़ने की आदत डालनी है। उनको वो लोग चाहिए जो कि जिनको हम यू नो रेडी टू रीड होने चाहिए लोग, ठीक है। तो पहली बात ये कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो रीडिंग की आदत डालनी है। MBA के अंदर, BBA के अंदर आपको रोज़ाना 100-200 पेजेस पढ़ने हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया मगर पढ़ने हैं, अच्छा खासे पढ़ने हैं, ठीक हो गई, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो रीड भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है।